सागर जिले के गड़ाकोटा में ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर पहले पार स्थित ईदगाह में मुस्लिम भाइयों द्वारा नमाज अता कर अल्लाह से देश में अमन और चैन की दुआ की गई। ईद उल अजहा पर PWD मंत्री गोपाल भार्गव ईदगाह पहुंचे। भार्गव ने एक दूसरे से गले मिलकर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देते हुए मुंह मीठा कराया। आपको बता दें कि सागर जिले का गड़ाकोटा मजहबी एकता की मिसाल माना जाता है। गड़ाकोटा वो बस्ती है जहां मोहब्बत और इंसानियत को निभाया जाता है। हिंदू और मुस्लिम आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाते आ रहे हैं। ईद उल अजहा के मौके पर PWD मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि देश में कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा गड़ाकोटा दो मजहबों का मिलन है एवं हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण है। कार्यक्रम में मौजूद रहे लोक तहसीलदार कुलदीप पाराशर, थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे, नगर पालिका उपाध्यक्ष मनोज तिवारी, मंडल अध्यक्ष बसंत यादव, शहर मुस्लिम कमेटी अध्यक्ष नासिर खान आदि लोग मौजूद रहे। गड़ाकोटा, उमेश तिवारी। आज ईद उल अजहा के पावन पर्व पर नमाज अदा की गई और मैं कहता हूँ कि रोटी का कोई धर्म नहीं होता, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती और जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। यह वह मजहबी शहर है गड़ाकोटा, खबर शहर है जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जाती। हमसे जुड़े हुए हैं शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष और बेलई से सरपंच नासिर खान जी, सभी मुस्लिम भाई। सबसे पहले ईद उल अजहा की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आज क्या संदेश आप सभी भाइयों के शहर में देना चाहेंगे? आज के इस मुबारक मौके पर सभी शहरवासियों से और देशवासियों से हम यही अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो हमारे गड़ाकोटा में हिंदू मुस्लिम एकता की परंपरा है वह पूरे देश में कायम हो जाए। यही दुआ आज हम लोगों ने ईद की नमाज में मांगी है और यही दुआ अल्लाह ताला से हम लोग करते हैं कि जो सुकून, अमन, चैन हमारे गड़ाकोटा में है वो सारे मुल्क में हो। वो शहर गोपाल का गड़ाकोटा कहलाता है। हम उस मजहबी धरती पर है जिसका नाम गड़ाकोटा है और जिसके नेता, जिसके जनप्रतिनिधि माननीय गोपाल भार्गव जी और यहाँ के बासिंदे हिंदू और एकता के साथ मुस्लिमों के साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं। क्या संदेश आज इस धरती से आप सभी को देना चाहते हैं? गड़ाकोटा मेरा गृहनगर है, मेरी पैदाइश है, जन्मस्थान। मुझे इस बात पर फख्र है, लगभग मेरी 70 साल की उम्र होने जा रही है, 7 साल कम हुआ। लेकिन अमन चैन का यदि वास्तव में भाईचारे के लिए कहीं सबसे बड़ा उदाहरण देखना तो हमारा ग्राम हम दुनिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, लेकिन हमारे वस्तु में जो अमन चैन हमें चल रहा है, दुनिया में कुछ भी चलता रहा है, हमें फख्र इस बात का कि हमारा भाईचारा कभी टूटा नहीं, कभी खत्म नहीं। हम लोग की आपसी समझ के ऊपर, हम लोग के प्रेम के ऊपर, लगभग 40 साल होने जा रहे हैं, 45 साल। जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष 42 साल पहले, तब भी मैं ईद के समय मिलन को आता था और 42 साल बाद आज भी दोनों ईद के वक्त में जब फुर्सत होती है तो हम रोज अफ्तार भी करते हैं। सारी बात आज अच्छा दिन है, आज देवस्वी एकादशी भी है और आज का दिन है। तो ये जो त्योहारों का मिलन है, ये दो संस्कृतियों का मिलन, ये दो धर्मों का मिलन, ये दो प्रकार की धाराओं का मिलन, उसी से हम कहते हैं हमें अपनी बस्ती का फख्र है। नाज है हमारे यहाँ गंगा पुखार, ढगला बछोड़ो, गाली बुखार भी दे। तो
ये बहुत कम होता है आजकल, हम तो इस बात पर गर्व कर सकते हैं, पूरे बासिंदे गर्व कर सकते हैं। यह एक मिसाल है